इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने पंजाब के जलंधर के 6 आरोपियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों के पास से 12 अवैध फायर आर्म्स, 5 कारतूस और एक इनोवा गाड़ी भी पुलिस ने बरामद की है और पूरे ही मामले में पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ आरोपी पंजाब के जलंधर के रहने वाले हैं और वह धामनोद से अवैध तरीके से हथियार लेकर जलंधर पंजाब जा रहे थे। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने एक इनोवा कार को रोककर जब उसकी तलाशी ली तो उसमें 12 अवैध फायर हथियार, 5 कारतूस बरामद की है। तो वहीं इस पूरे ही मामले में पुलिस ने गुरमेल, जगसीर, प्रिंस, अजय और विपिन को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से धामनोद के पास रहने वाले सिकलीगरों से सोशल मीडिया से हथियार खरीदने को लेकर संपर्क किया था और उन्हीं हथियारों को खरीद कर वह जलंधर पंजाब ले जा रहे थे। लेकिन पूरे मामले की सूचना इंदौर क्राइम ब्रांच को लग गई और आरोपियों को अवैध पिस्तल और देसी कट्टों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों के बारे में पुलिस पंजाब पुलिस से भी जानकारी जुटाने में जुटी हुई है। तो वहीं पकड़े गए आरोपियों ने इंदौर क्राइम ब्रांच को इंदौर पुलिस पंजाब पुलिस से भी जानकारी जुटाने में जुटी है। तो वहीं पकड़े गए आरोपियों ने इंदौर क्राइम ब्रांच को इस बारे में जानकारी दी है कि उनकी पंजाब के जलंधर के कई लोगों से दुश्मनी है और आपसी रंजिश में उन पर हमला हो सकता है, जिसके चलते वह अवैध तरीके से हथियार खरीद कर लेकर जा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि पुलिस आरोपियों के बारे में पंजाब पुलिस से भी संपर्क कर रही है और उनसे भी जानकारी जुटाने में लगी हुई है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये मुख्य रूप से जालंधर, फिरोजपुर इन जिलों के रहने वाले हैं पंजाब में, और ये आज पकड़े गए हैं। इनसे लगभग 12 हथियार मिले हैं, देसी पिस्टल जो कि यहाँ पे ये लोग लेके आ रहे थे और इंदौर से निकलते वक्त जो है इनको पकड़ा गया है। ये जो सिकलीगर इलाके हैं इंदौर से सटे हुए, वहाँ से इन्होंने ये खरीदे थे और लगभग 50,000 रुपये में इन्होंने जो है ये सामान एक एक पीस खरीदा था, तो लगभग 6 लाख रुपये में इन्होंने सामान खरीदा था ये। और जो है इनसे एक इनोवा कार में ये लोग ट्रैवल करते हुए पाए गए थे और इनको गिरफ्तार किया गया है। ये तस्कर जो है प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने बताया कि जो है कुछ इनकी वहाँ रंजिशें थी और कुछ मर्डर केसेस चल रहे हैं, इसके संबंध में जो है ये बदला लेने की नीयत से जो है ये इन्होंने ये हथियार अख्तियार किए थे। हालांकि अभी और पूछताछ बाकी है और ये किस नेटवर्क पर जाके ये हथियार फीड होते उस संबंध में और हम पूछताछ करेंगे।